राजकुमारी, मैं मर रहा हूँ। बकवास मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही है। मैं मर रहा। ईबैंग, ईबैंग, ईबैंग। राजकुमारी, कितने लोग मारे गए? आधे से ज्यादा लोग मारे गए। हमारी सेना खत्म हो रही है, हमें कुछ करना होगा। राजकुमारी, हुआ शान को देख लो। राजकुमारी, सम्राट का संदेश आया है, आप उनसे मिल ले। उन्हें कहिए मुझसे आकर मिले। पर ये कानून के खिलाफ है। क्या लोगों की जान से ये ज्यादा जरूरी है? नहीं। राजकुमारी, तीर इसके मुंह के अंदर घुस गया है। मुझे डर है कि इसकी जान खतरे में है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। इस महीने की 15 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं लौट नहीं पाया तो ये उसे देने में मेरी मदद कीजिए राजकुमारी। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम ही न्यू को दो। मैं चाहता हूँ। बोलना बंद करो, रुको हुआ शैन, मैं तीर निकालती हूँ। ये शाही आदेश है। शुन हुआ, उसके कंधे दबाओ। ये रहा शाही आदेश। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत। हुशैन, बेटी कितने साल की है? 5 साल की। वो हमेशा पिता की आंख का तारा होती है। तुम खुश नसीब हो हुशैन। खून रोकने के लिए पट्टी लगाओ। जी। बोलो। सम्राट का ये फरमान है, राजकुमारी जिंगली दुश्मन से डर गई। उसने क्यूई को राज्यपालों के सामने शर्मिंदा किया, इसलिए मैंने जियांग ली को क्यूई की ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने दूसरे शहर युद्ध के लिए चुना है। युद्ध के लिए दूसरे शहर? ये असंभव है। ज्यू डोंगी में बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्यू लियांग जो आर्मी जनरल है वो युद्ध का भगवान माना जाता है। हमारी क्योशी आर्मी महान दीवार पर निर्भर है। सबसे अच्छी योजना दुश्मनों से बचने की है। क्या मेरे भाई ने 8,000 सैनिकों को ऐसे ही मरने देने का इरादा किया था? महारानी, आपने जो कहा है वो आदेश के विरुद्ध है। मैंने सिर्फ सम्राट का आदेश आप तक पहुंचाया है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे जाने दीजिए। राजकुमारी, हमें क्या करना चाहिए? सम्राट जू हमारे किश्के आर्मी को शहीद करने के कगार पर थे। राजकुमार जी, बोलिए। राजकुमारी ली को बाहर जाने का आदेश दिया है। सम्राट का कोई रिश्तेदार नहीं। बड़े भाई ने कभी हमें भाई बहन नहीं कहा। मैं नहीं जानती कि ये सब राजकुमारी कैसे संभालेगी। मेरी बहन आसानी से हार नहीं मानती।
वो मेरे बड़े भाई को हरा देगी। क्या सब स्पष्ट है? जी हाँ। क्या तुम्हारा फैसला हो गया है? अगर हमने ये किया तो परिणाम भुगतने होंगे। वो सम्राट का प्रश्न है। या! या! हाँ! जनरल, खाना तैयार है। जनरल क्यों? सब जानते हैं आप जुमे युद्ध के देवता हैं। आप बहुत उज्जवल, बहादुर और प्रभावशाली हैं। ऐसा स्वभाव सिर्फ आपको ही जचेगा। तो आप ही हैं जियांग ही, वो राजकुमारी? हाँ, मैं ही हूँ। लगता है क्यों में अब कोई भी नहीं बचा जो एक औरत को देश संभालने के लिए भेज दिया है। सैनिक कहाँ से आते? हमारी राजकुमारी किसी कारण से युद्ध पुकारने आई है, समझ गए आप? तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा साहस देखकर अच्छा लगा। तो तुम्हारी योजना क्या है? नियमों को पालना। ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरे साथ चलो। जो कहना है कहो। तुम्हारी योजना क्या है? मुझे बताओ, तुम्हारी राय क्या है? राजकुमारी सुरक्षा तोड़ने के लिए तैयार है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम 300 रथ और 3000 सैनिक भेज सकती हो। हम 200 रथ और 2000 सैनिक भेजेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा कर पाओगी? जनरल पूरे देश में प्रसिद्ध है, मैं ज्यादा रथ और मैं सैनिकों के द्वारा भी जीत नहीं पाऊंगी, तो मैं सैनिक कम कर लेती हूँ। मैं 50 रथ कम कर लेता हूँ, क्या कहती हो? ये ठीक है ना? या फिर अकेला आऊं मैं? तुम अकेले ही? तो आओ फिर। अकेले आऊं? हाँ। तुम यहाँ युद्ध की घोषणा करने आई हो या फिर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? चलता हूँ मैं। रुक जाइए। बोलो क्या बोलना है। सैनिक भेज दीजिए जनरल। पकड़ो इन्हें। इन बच्चों को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था।